गाइस क्या आपके भी फेसबुक अकाउंट में कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ रहा है गो टू योर ऑथेंटिकेशन ऐप एंड यहाँ पे जब भी आप अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं तो यहाँ से आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होता है गो टू योर ऑथेंटिकेशन ऐप एंड यहाँ पे कोड का ऑप्शन आता है। बट यहाँ पे आपने जो ऑथेंटिकेशन लगाया था उसका कोड आपके पास नहीं आ रहा है, कोई भी रीजन हो सकता है, आपका फ़ोन रिसेट हो सकता है उसकी वजह से नहीं आ रहा है, या फिर आपके फ़ोन से वो एप्लीकेशन या फिर वो मोबाइल नंबर नहीं है आपके पास, जिसके वजह से आप जो यहाँ पे कोड को फिल करके यहाँ पे अपना अकाउंट जो ओपन नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपसे को बताऊंगा कि किसी दूसरे मेथड से, किसी दूसरे ट्रिक से कैसे आप अपने इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप ट्राई अनदर वे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके सामने ऑप्शन आएगा बैकअप कोड या फिर ऑथेंटिकेशन ऐप, या फिर अगर आप अपना मोबाइल नंबर से लगाएं तो मोबाइल नंबर भी आएगा, ठीक है। अगर उसके थ्रू हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आपको जो है दूसरे मेथड से ट्राई करना होगा, ठीक है। तो दूसरे मेथड से ट्राई करने के लिए यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको ट्राई अनदर वे पे क्लिक करना होगा एंड ट्राई अनदर वे पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको नीड अनदर ऑप्शन लिखा मिल जाएगा एंड यहाँ पे उसके नीचे अकाउंट रिकवरी का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो अकाउंट रिकवरी पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे अकाउंट रिकवरी पे क्लिक करते हैं एंड जिससे आप अकाउंट रिकवरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके सामने अदरवाइज टू कंफर्म दैट यू ओन द अकाउंट, तो यहाँ पे आपको कंफर्म करना होगा कि आप ही इस अकाउंट के असली मालिक हैं, असली ओनर हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे सबमिट ए फोटो ऑफ योर आईडी, तो यहाँ पे आपको सबमिट ए फोटो ऑफ योर आईडी पे क्लिक करना होगा एंड जिससे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप का ऑप्शन आएगा एंड यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। एंड जिससे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा ईमेल एड्रेस का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है ईमेल एड्रेस टाइप करना होगा, यहाँ पे आप कोई भी ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है। एंड ईमेल एड्रेस डालने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड जिससे हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से लोडिंग लेता है एंड यहाँ पे हमारे ईमेल पर कोड चला जाता है, ठीक है। इंटर कन्फर्मेशन कोड ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे हमारे ईमेल पे कोड चला गया है। तो चलिए हम यहाँ पे ईमेल को ओपन करके यहाँ पे हम कोड को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड यहाँ पे हमारा आ चुका है, यहाँ पे कोड यहाँ पे हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड कॉपी करके पेस्ट करने के बाद नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद चूज द टाइप ऑफ आई डू टू अपलोड का ऑप्शन आ चुका है एंड यहाँ पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट का नेम आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, नेशनल आईडी कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, वोटर आईडी, वीज़ा, फैमिली सर्टिफिकेट, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। एंड अब इनमें से जो भी आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप उसे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके पास अगर डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड होता है या फिर पैन कार्ड होता है, बहुत सारे लोग के पास आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड ही होता है, तो यहाँ पे आपको नेशनल आईडी कार्ड पे क्लिक करना होगा, देन नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, देन यहाँ पे आपको ब्राउज फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको ब्राउज फोटो पे क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे आपको जो अपने गैलरी से आपका डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद नीचे सबमिट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। एंड सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके सामने कुछ इस प्रकार से लोडिंग लगा, यहाँ पे आइडेंटिटी कंफर्मेशन इन प्रोग्रेस का ऑप्शन आ जाएगा एंड यहाँ पे आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना पड़ेगा एंड 24 से 48 घंटे के अंदर आपको ईमेल प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। वहाँ पे अगर आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है आपके फेसबुक अकाउंट से मैच करता है, उसका नेम, उसका फुल नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ मैच करता है, तो यहाँ पे आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा, आपके ईमेल पर एक्सेस लिंक मिल जाएगा, उससे आप जो है अनलॉक कर पाएंगे, अपने अकाउंट का पासवर्ड वगैरह चेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो गाइस यही था आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, इससे आपको हेल्पफुल एंड जेन्युइन कंटेंट मिलता रहेगा।